हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यूनिट में हमने सबसे पहला पॉइंट पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने पढ़ा कि किसी सर्किट में अगर मैं रेजिस्टर लगा दूं और स्विच ऑन कर दूं तो उस सर्किट से करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो हो रहा है तो उस रेजिस्टर से करंट फ्लो होगा, और उस रेजिस्टर के अक्रॉस हीट जनरेट होती है, और वो कितनी हीट जनरेट होती है ये जूल्स लॉ में हमने पढ़ा। ये पहला इफेक्ट पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड इफेक्ट पढ़ा हमने, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखा था कि अगर कोई कॉइल, कोई सिंपल सा कंडक्टर है, कोई मेटल वायर है, उसके अक्रॉस अगर मैं एक बैटरी या सेल कनेक्ट कर दूं और स्विच ऑन करेंगे तो उस कंडक्टर से, उस मेटल से करंट फ्लो होगा, और उसके अक्रॉस अगर उसमें से अगर करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी। इसके अक्रॉस क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होंगी, जिसके हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखा था कि उस कंडक्टर के पास मैंने एक मैग्नेटिक नीडल रख दी थी, तो जैसे ही इस कंडक्टर से करंट फ्लो होता था वैसे ही मैग्नेटिक नीडल क्या होता था, रिफ्लेक्ट होता था। ठीक है, सो आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक मोटर, जो इसी का ही इफेक्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर। बट इस इलेक्ट्रिक मोटर को स्टार्ट करने से पहले फिर से आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट लेते हैं। सपोज एक कंडक्टर, एक मेटल वायर लेता हूं मैं, एक मेटल वायर लेंगे और इस मेटल वायर को किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देते हैं। इस मेटल वायर को क्या करते हैं, किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये एक मेटल वायर हमारी, और इस मेटल वायर को मैंने किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। इस मेटल वायर को हमने किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसी के अक्रॉस, इस मेटल के अक्रॉस क्या करते हैं, एक मैग्नेट रख देते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक मैग्नेट रख देते हैं। ठीक है, सो अब क्या करेंगे हम, ये स्विच है हमारा, स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो फिर क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। जैसे इस बैटरी या सेल का मैं स्विच ऑन करूंगा तो इसमें से करंट फ्लो होगा, और वो करंट फ्लो होगा इस मेटल वायर से भी फ्लो होगा। ठीक है, और ये जो मेटल वायर है, इस मेटल वायर के अक्रॉस मैंने एक, जैसे ये सपोज मेरा मैग्नेट है, इस मैग्नेट के बीच में मैंने क्या किया हूं, एक मेटल वायर रख दी है। तो जैसे ही इस सर्किट से करंट फ्लो होगा, इस मेटल वायर से करंट फ्लो होगा, और ये मेटल वायर किसके बीच में है, मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में है, तो फिर उस समय क्या होगा कि ये जो मेटल वायर स्ट्रेट थी, ये जो मेटल वायर ऐसी स्ट्रेट थी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी, थोड़ी सी बेंड हो जाएंगी जब हम स्विच ऑन करेंगे। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, एक मेटल वायर ली, उस मेटल वायर के अक्रॉस मैंने सेल या बैटरी कनेक्ट कर दिया, और उसके बाद उस मेटल वायर के अक्रॉस मैंने क्या किया, इस तरीके से अपना एक मैग्नेट रख दिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल एक मैग्नेट रख दिया। सो जैसे ही इस मेटल वायर से करंट फ्लो होगा, सो करंट फ्लो होने की वजह से पहले वो कंडक्टर जो मेटल वायर था वो स्ट्रेट लाइन था, बट वो क्या होगा, करंट फ्लो होने की वजह से थोड़ा सा उसको ऐसे इस साइड में कोई ऐसे खींचेगा थोड़ा सा, इट एक्सपीरियंस फोर्स, इसको कोई अपनी तरफ इस साइड में ऐसे खींचेगा। सो इस छोटे से एक्सपेरिमेंट में ये दिख रहा है कि इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। फोर्स की वजह से वो बेंड हो रहा है ना, फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, एक साइड में वो कंडक्टर क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। तो किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं और उस कंडक्टर से हम करंट फ्लो करेंगे तो वो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कोई फोर्स उसको अपनी तरफ खींचेगा,
इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंस, इट एक्सपीरियंस फोर्स। किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं और जब उस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, और उस फोर्स की वजह से ये क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा सभी को? सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है कि कोई कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर, इस कंडक्टर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, इस मेटल वायर से अगर करंट फ्लो हो रहा है और इस कंडक्टर को किसी हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, मैग्नेट के बीच में रख दिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में रख दिए, तो वो कंडक्टर फोर्स महसूस करेगा, कोई फोर्स उसको खींचेगा। ठीक है, सो ये कंसेप्ट याद रखना है। इसी कंसेप्ट पे हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे, इसी कंसेप्ट पे हम इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ेंगे। सो इफ करंट कैरिंग कंडक्टर, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इफ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, उस कंडक्टर फोर्स महसूस करेगा, फोर्स से इसको कोई अपनी तरफ खींचेगा। इसी प्रिंसिपल पे हम इलेक्ट्रिक मोटर बनाएंगे, इसी प्रिंसिपल पे हम इलेक्ट्रिक मोटर बनाएंगे। तो आज के लेक्चर की शुरुआत मैंने एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से की कि किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं और उसमें से अगर मैं करंट फ्लो करता हूं तो करंट फ्लो होने की वजह से वो जो कंडक्टर है वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, मतलब कि कोई फोर्स की वजह से वो बेंड हो रहा है। तो इससे हम कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। ठीक है, फोर्स आ रहा है, बट वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स किस डायरेक्शन से आ रहा है? इधर से आ रहा कि इधर से आ रहा, ऊपर से आ रहा कि नीचे से आ रहा, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? तो अब हम वो डायरेक्शन देखेंगे, वो डायरेक्शन बताएंगे हमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये रूल हमें क्या बता रहा है कि जो हमने ऊपर वाला एक्सपेरिमेंट किया उस ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट में किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो वो फोर्स महसूस करता है, फोर्स कोई उसको खींचता है, तो वो फोर्स किस डायरेक्शन में है, फोर्स की डायरेक्शन क्या है? ये फोर्स की डायरेक्शन हमें कौन बताएगा? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर मैं मेरे लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स फिगर और मिडल फिगर को स्ट्रेच करता हूँ इन सच वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर मैं मेरे लेफ्ट हैंड के थंब को, इंडेक्स फिगर को और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करता हूं इन सच वे दैट, इन सच वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हर एक फिंगर में 90 डिग्री का एंगल हो, हर एक फिंगर में कितना हो, 90 डिग्री का एंगल हो। अगर ऐसा हम करते हैं तो इंडेक्स फिगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फिंगर, मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स किस डायरेक्शन में से आ रहा है, फोर्स किस डायरेक्शन में है ये बताएगा थंब। सो हम अगर हमारे लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स फिगर और मिडल फिगर को स्ट्रेच करते हैं इन सच वे दैट, इन सच वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब सभी में एंगल 90 डिग्री हो,
जिसमें जो हमारी ये इंडेक्स फिगर है, ये इंडेक्स फिगर छोटी वाली उंगली, ये इंडेक्स फिगर हमें क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो हमारी मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर बताएंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो किसी कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ऐसे मेटल वायर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख देता हूं, मैग्नेटिक फील्ड मतलब नॉर्थ और साउथ पोल मैग्नेट के बीच में रख देता हूं, तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, उसको कोई फोर्स से खींचेगा। तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ये बताएगा हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये बोल रहा है कि अगर हम हमारे लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स फिगर और मिडल फिगर को स्ट्रेच करते हैं इन सच वे दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इंडेक्स फिगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिगर शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर शो द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब डिनोट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी इसी को मैं यहाँ पे बनाता हूँ। सपोज तीन एक्सिस, सपोज ये हमारा थंब है, लेफ्ट हैंड का हमारा थंब, ये हमारी इंडेक्स फिगर, ये हमारी मिडल फिंगर। ठीक है, सभी में एंगल 90 डिग्री, सभी में एंगल कितना 90 डिग्री। सो अगर मैं मेरे लेफ्ट हैंड के थंब, इंडेक्स फिगर और मिडल फिंगर को स्ट्रेच करता हूं इन सच वे दैट दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन इंडेक्स फिगर, जो इंडेक्स फिगर है वो बताएंगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताएगा इंडेक्स फिगर, मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो थंब है थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब बताएगा हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देख लो बेटा इसको कि किसी कंडक्टर को करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स। ठीक है, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होंगी, ये बताएगा हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड का थंब, इंडेक्स फिगर, मिडल फिंगर को स्ट्रेच करेंगे, ऐसे स्ट्रेच करेंगे जिसमें इंडेक्स फिगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्लियर है बेटा? इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बेटा इसमें कमेंट बॉक्स में और ये करो, मोबाइल देना अपना कमेंट बॉक्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट बढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक मोटर पे। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है देखेंगे, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है। घर में हमने स्विच ऑन किया, फैन ऑन हो गया, जैसे ही हम उस फैन को इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हैं तो फैन क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है।
इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, तो जो डिवाइस ये कन्वर्जन कर रहा है उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलेंगे। तो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, ऐसे डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलेंगे। अ डिवाइस, डेफिनेशन इसकी इलेक्ट्रिक मोटर की, डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी a device which convert electrical energy into mechanical energy is known as electric motor। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, इसको हम इलेक्ट्रिक मोटर बोलेंगे। देखे हमने कि इलेक्ट्रिक मोटर फैन में यूज होती है, रेफ्रिजरेटर में यूज होती है, मिक्सर में यूज होती है, कंप्यूटर में यूज होती है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक मोटर के। बट जो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक क्या करता है, किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, रोटेशनल प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिकल मोटर होती क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर क्या होता है। सो सबसे पहला देखेंगे हम इसका कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक मोटर का कंस्ट्रक्शन। इस इलेक्ट्रिक मोटर में क्या करना है, सिंपल एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर का लूप लेंगे। कॉपर वायर को क्या करेंगे हम, सिंपल रेक्टेंगुलर लूप के फॉर्म में बना लेंगे, ठीक है। उसको क्या करेंगे हम, सिंपल रेक्टेंगल फॉर्म में उसको बना लेंगे। एक दो मिनट, मैंने एक मॉडल लेके आया हूँ, वो ये देख लो। सिंपल एक मेटल वायर थी, उस मेटल वायर को क्या किया मैंने, रेक्टेंगुलर शेप में बना लिया, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर लूप में बना लिया है। अब क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर लूप को रखना है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। कहां रखना है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। सो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, सो ये के नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दो मैग्नेट के बीच में मैंने क्या किया, इस रेक्टेंगुलर कॉपर वायर की जो लूप है उसको रख दिया, ठीक है। इसके बाद क्या किया, इसके जो दो एंड है उसको कनेक्ट किया हमने स्प्लिट रिंग। क्या कनेक्ट किया उसको, स्प्लिट रिंग। ये देख लो, ये रेक्टेंगुलर लूप था, तो इस लूप का जो ये एंड थे, इस लूप की जो एंड थे उसके एंड को मैंने देखो यहां पे दो सर्कुलर रिंग, स्प्लिट रिंग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। क्या कर दिया उसको, दो स्प्लिट रिंग कनेक्ट कर दिए, ठीक है। सो यहां तक समझ गया, सिंपल क्या किया हमने, दो मैग्नेट नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर की एक लूप बना ली। इस कॉपर लूप वायर के जो दो एंड पॉइंट थे उसको मैंने क्या किया, दो स्प्लिट रिंग कनेक्ट कर दी, ठीक है। और इस स्प्लिट रिंग का जो इनर सरफेस है, उसके इनर सरफेस में क्या करेंगे हम, उसको एकदम टाइटली फिट करके अपना एक एक्सेल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, उसके अक्रॉस एक एक्सेल लगा देंगे, मतलब अगर लूप घुमा तो वो एक्सेल भी घूमना चाहिए, ठीक है। अगर वो लूप घूम रहा है तो वो एक्सेल भी घूमना चाहिए, तो वो दोनों स्प्लिट रिंग जो है, उस स्प्लिट रिंग के बीच में मैंने एक एक्सेल लगा दिया, ठीक है। और बाद में क्या करेंगे हम, ये स्प्लिट रिंग के पास दो कार्बन ब्रशेस ले लेंगे। क्या करेंगे, दो कार्बन ब्रशेस ले लेंगे। वो कार्बन ब्रशेस क्या है, दो कार्बन ब्रशेस लेंगे
और वो कार्बन ब्रशेस कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी या सेल से। वो कार्बन ब्रशेस क्या करेंगे, किस कनेक्ट करेंगे किसी बैटरी या सेल से। ये जो सिंबल है ये क्या है, बैटरी और सेल का, ठीक है। ये है इसका कंस्ट्रक्शन सिंपल। क्या किया मैंने, एक सिंपल रेक्टेंगुलर लूप लिया हमने, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर। कॉपर वायर को क्या किया, ऐसे रेक्टेंगुलर शेप में बना लिया, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या है, एक मैग्नेट है। क्या है ये, मैग्नेट। और ये मैग्नेट क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये मैग्नेट क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे एक दो रिंग है, दो स्प्लिट रिंग है, इसको क्या बोलेंगे हम, स्प्लिट रिंग, ठीक है। दो स्प्लिट रिंग है, दो स्प्लिट रिंग के इनर सरफेस को मैंने एक एक्सेल लगा दिया। क्या लगा दिया, एक एक्सेल लगा दिया, मतलब अगर वो रिंग घूमेंगी तो एक्सेल भी घूमेगा। और यहां पे एक कार्बन ब्रशेस है, ये जो दूसरे है ये क्या है, कार्बन ब्रशेस। ये जो दो है ये है कार्बन ब्रशेस, ठीक है। और ये कार्बन ब्रशेस कनेक्ट हो गए किसी सेल या बैटरी से। किससे कनेक्ट हो गए, किसी सेल या बैटरी से। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो एक मेरे पास एक एनिमेटेड फिगर भी है, वो एनिमेटेड फिगर देख लो इस तरीके से। देख लो बेटा, दो मैग्नेट के बीच में मैंने एक रेक्टेंगुलर कॉपर वायर की शीट, कॉपर वायर का लूप बना लिया, ठीक है। उसको दो स्प्लिट रिंग कनेक्ट कर दी। यहां पे एक्सेल बताया नहीं है, बट यहां पे बीच में एक एक्सेल होता है। और इसको यहां पे क्या किया, कार्बन ब्रशेस के थ्रू सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक। क्लियर है ये कंस्ट्रक्शन, क्लियर है बेटा सभी को, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन क्लियर है, सो अभी आगे हम बढ़ते हैं इसके वर्किंग पे। कहां बढ़ते हैं, इसके वर्किंग पे। तो एक काम करता हूं मैं, यहां पे इसका नाम दे देता हूं, जो रेक्टेंगुलर लूप है, इस रेक्टेंगुलर लूप का ये जो ब्रांच है ये ए बी ब्रांच, ये जो ब्रांच है ये ब्रांच हो गई सी डी ब्रांच, ये क्या हो गई, सी डी ब्रांच। सो जैसे ही ये एक हमारा स्विच है, यहां पे क्या है, स्विच। तो जैसे ही मैं यहां पे स्विच ऑन करूंगा, स्विच ऑन करने की वजह से क्या होगा, इसमें से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होते होते कार्बन ब्रशेस के पास आया, कार्बन ब्रशेस जो है वो स्प्लिट रिंग को कनेक्ट है, स्प्लिट रिंग से क्या होगा, इस लूप में भी करंट फ्लो होगा, इस लूप में भी क्या होगा, करंट फ्लो होगा। सो इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। और यहां से फिर वो क्या आ रहा है, और रिटर्न आ रहा है, वो करंट क्या आ रहा है, रिटर्न आ रहा है। तो जैसे ही सेल या बैटरी का मैं स्विच ऑन करूंगा, यहां से करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होने की वजह से, अब ये तो कंडक्टर है, लूप जो है हमारा क्या है, कंडक्टर। और अभी हमने एक प्रिंसिपल पढ़ा है कि किसी कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, किसी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, उस पर कोई फोर्स एक्ट होगा। तो उसी हिसाब से अगर यहां से इस कॉइल से करंट फ्लो हो रहा है, इस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है, और ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है, तो इस कॉइल पे भी क्या होगा, एक फोर्स एक्ट होगा। क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा। तो यहां पे मैं इसके प्रिंसिपल में फर्स्ट पॉइंट लिखता हूं, इफ, पहला पॉइंट, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर, इफ करंट फ्लोइंग थ्रू रेक्टेंगुलर लूप ऑफ कॉपर वायर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस रेक्टेंगुलर लूप से करंट फ्लो हो रहा है और वो रेक्टेंगुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखी है,
तो फिर क्या होगा, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स. सो करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स. सो करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप एक्सपीरियंसेस फोर्स, एक्सपीरियंसेस फोर्स. ठीक है, और उस फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो ये यहां से करंट फ्लो होगा, उस लूप से करंट फ्लो होगा, और लूप से करंट फ्लो हो रहा है और लूप मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बैठा है. ठीक है, लूप जो है वो कहां है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है. तो हमने अभी एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखा कि किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, तो उस पर फोर्स एक्ट होगा, उस पर क्या होगा, फोर्स एक्ट होगा. तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से, सबको पता है फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल. सो ये मिडल फिंगर क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट. तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, तो थंब देखो कहां पे रहेगा, डाउनवर्ड रहेगा, थंब क्या रहेगा, डाउनवर्ड. तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, यहां पे जो ए बी है, ए बी ब्रांच पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा, ए बी ब्रांच पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा. ठीक है, और सेम जो सी डी ब्रांच है, जो दूसरी ये सी डी ब्रांच है, इस पे अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा, इस पे क्या होगा, अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा, अपवर्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट. ठीक है, मतलब इस तरीके से ये हमारी कॉइल है, ये कॉइल की ए बी ब्रांच, ये कॉइल की सी डी ब्रांच. तो ये ए बी पे क्या हो रहा है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, और सी डी पे अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, सी डी पे क्या हो रहा है, अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है. तो देख लो ये मेरी कॉइल. ठीक है, अब ये कॉइल का ये जो पार्ट है, ये पार्ट ए बी और ये पार्ट सी डी. अब ये कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड में रख दी और इसमें से करंट फ्लो हो रहा, तो फोर्स एक्ट होगा. तो इस ए बी पे फ्लेमिंग्स के हिसाब से अब क्या हो रहा है, फ्लेमिंग्स के हिसाब से डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, तो डाउनवर्ड हो रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा. और फ्लेमिंग्स के हिसाब से जो सी डी ब्रांच है, इस सी डी ब्रांच पे क्या हो रहा है, अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा. ऐसा हो रहा है तो एक रोटेशन, हाफ रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा. अब जैसी हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ तो देखो मेरा ए बी पहले यहां था, अब ए बी यहां आ गया है, और सी डी यहां था वो यहां पर आ गया. ठीक है, तो आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, आफ्टर हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, या एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, ये ए बी नीचे की तरफ गया और सी डी ऊपर की तरफ आ गया, तो इस तरीके से हो जाएगा, यहां आ जाएगा तुम्हारा सी डी और ये हो जाएगा ए बी, और सी डी और ए बी आ गया तो तुमको पता है लेफ्ट साइड में क्या हो रहा, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, और राइट में क्या हो रहा है, अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है. तो आफ्टर हाफ रोटेशन क्या होगा, सीडी पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो जाएगा, सीडी पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट, और एबी पे क्या होगा, अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा, एबी पे अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा. ठीक है, और जिसकी वजह से फिर से क्या हो जाएगा, वो घूम जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, घूम जाएगा. तो देख लो बेटा यहां पे, फिर से बताता हूं सिचुएशन को. ये पहले ए बी था और इधर की ब्रांच सी डी थी, फिर जैसे ही मैंने करंट स्टार्ट किया, इस करंट इसमें से फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो फोर्स एक्ट होगा. तो ये जो ए बी ब्रांच है, फ्लेमिंग्स रूल के हिसाब से ये ए बी ब्रांच पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा और सी डी ब्रांच पे अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा. लेफ्ट हैंड लगा के हम वो फोर्स के डायरेक्शन निकालेंगे, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है और ये अपवर्ड जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक हाफ रोटेशन हो जाए. ठीक है, अब सी डी यहां पे आ गया, ए बी यहां पे आ गया, यहां पे तो हमेशा डाउनवर्ड ही फोर्स एक्ट हो रहा, तो ये सी डी फिर अब डाउनवर्ड चल जाएगा और ए बी अपवर्ड आ जाएगा, फिर घूम गया. फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होती रहेंगी और ये मोटर घूमती रहेंगी,
ये लूप घूमता रहेगा, इस लूप के साथ ये स्प्लिट रिंग के साथ वो एक्सेल लगाए ना, वो एक्सेल भी क्या होगा, घूमते रहेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज मोटर ब्रूम 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 घूमती रहेगी। एक बार फिर से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इस एनिमेशन को देख लो बेटा। इस एनिमेशन को देखो, तुमको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जैसे ही हम करंट ऑन कर देंगे क्या होगा, सेल बैटरी से करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो होने की वजह से वो क्या होगा, ये जो लूप है वो क्या होगा, ये डाउनवर्ड और ये अपवर्ड रोटेट होंगी और रोटेट होने के बाद फिर वो क्या होगा, कनेक्शन चेंज हो जाएंगे, ये स्प्लिट रिंग की वजह से जो है वो ब्रशेस स्टेशनरी रहेंगे, ब्रशेस नहीं लेंगे, ब्रशेस अपनी जगह रहेंगे। तो ये एक रोटेशन मारा तो ये देखो स्प्लिट रिंग इंटरचेंज हो गई, अब सीडी यहां पे आ गया, एबी इधर है, ठीक है। तो फिर सीडी पे डाउनवर्ड, एबी पे अपवर्ड, एबी पे डाउनवर्ड, सीडी पे डाउन, सीडी पे अपवर्ड, एबी पे डाउनवर्ड, सीडी पे अपवर्ड, सीडी पे डाउनवर्ड, एबी पे अपवर्ड, ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलती रहेंगी और मोटर हमारी ब्रूम 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 घूमती रहेंगी। एक्सेल क्या है, एक्सेल बेटा एक सिंपल सा एक वो रॉड रहेगा जो वो एकदम स्प्लिट रिंग को चिपक के रहेगा। तो अगर वो लूप घूम रहा है यहाँ पे वो एक्सेल रहेगा, तो अगर ये लूप घूम रहा है तो वो एक्सेल भी क्या होगा, घूमेगा। और वो एक्सेल को हम पंखे लगा दो, पंखे लगा दे तो फिर वो पंखा घूमने लगेगा, क्लियर है। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूं इसका प्रिंसिपल। कि किसी रेक्टेंगुलर कॉपर वायर के लूप को मैं क्या करूंगा, दो स्प्लिट रिंग कनेक्ट कर देंगे, दो स्प्लिट रिंग कनेक्ट करेंगे और उस स्प्लिट रिंग को क्या करेंगे, एक एक्सेल कनेक्ट कर देंगे। मतलब अगर लूप घूम रहा तो एक्सेल भी घूमना चाहिए। अब इस लूप के अक्रॉस में मैंने मैग्नेट रख दिए, एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ऐसे दो मैग्नेट रख दिए और इस स्प्लिट रिंग को कार्बन ब्रश के थ्रू क्या किया, किसी बैटरी या सेल से कनेक्ट कर दिया। किसी बैटरी या सेल से मैं इसको जब कनेक्ट कर देता हूं और मैं स्विच ऑन करूंगा तो करंट फ्लो होगा, और किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है, किसी कंडक्टर से अगर करंट फ्लो होता है और वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है, वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा है तो उस पर कोई एक फोर्स एक्ट होता है। उस पर क्या होता है, फोर्स एक्ट होता है। तो फोर्स की डायरेक्शन कौन बताएगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से क्या होगा कि ये एबी पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा और सीडी पे अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा, और सीडी पे अपवर्ड फोर्स एक्ट होने की वजह से ये एबी पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट होगा, सीडी पे अपवर्ड फोर्स एक्ट होगा, जिसकी वजह से फोर्स की वजह से ये ऐसा एक हाफ रोटेशन हो जाएगा। जैसे ही हाफ रोटेशन हो गया तो देखो सीडी जो है, और इधर ए बी आ गया, इधर सी डी आ गया, सी डी पे फिर डाउनवर्ड और ए बी पे अपवर्ड, फिर एक हाफ रोटेशन। फिर अब ए बी यहां आ गया, ए बी पे डाउनवर्ड और सी डी पे अपवर्ड, और ऐसे कंटिन्यूअसली ये लूप घूमता रहेगा। और इस लूप के बीच में जो हम एक्सेल लगा देंगे, एकदम फिट करेंगे कि लूप घूम रहा तो एक्सेल भी घूमे, वो एक्सेल भी घूमता रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हमने क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है बेटा। एक बार फिर से इसका एनिमेशन देख लो, एनिमेशन से और क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। और किसी को डाउट हो तो बेटा ये कर दो। हाँ, कार्बन ब्रशेस, बेटा किसी ने पूछा कि कार्बन ब्रशेस क्या है, कार्बन ब्रशेस क्या होगा कि वो स्प्लिट रिंग जो है, वो जो दो रिंग लगी है, वो रिंग और बैटरी में कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करने के लिए रहेगा और वो स्टेशनरी रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो रिंग घूम रही है बट ब्रशेस स्टेशनरी रहेंगे, वो बस उसको टच करेंगे, उसको कनेक्ट नहीं रहेंगे, वो सिर्फ उसको टच करेंगे। संडे का पीडीएफ ठीक है मिल जाएगा सर। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, मैकेनिकल एनर्जी पंखा हमारा घूम रहा है ना, मैकेनिकल एनर्जी है। हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दी, हमने यहाँ पे स्विच ऑन कर दिया तो सेल बैटरी को, सेल बैटरी मतलब मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जैसे ही मैंने स्विच ऑन कर दिया करंट फ्लो होगा और ये घूम रहा है, तो करंट की वजह से ये घूम रहा है मतलब क्या हो गया, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, क्लियर बेटा। मैकेनिकल एनर्जी मतलब घूम रहा है, पंखा घूम रहा है, लूप घूम रहा है।
क्लियर बेटा? सो आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है। फिर से आप लोगों ने एक बार इस वीडियो को अच्छे से देख लेना है, और आपको एग्जाम में अगर इलेक्ट्रिकल मोटर क्वेश्चन आया तो आपको अच्छे से उसको पहले उसकी डेफिनेशन, फिर फिगर, फिगर का कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ें बतानी है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसको दो स्प्लिट रिंग कनेक्ट है, स्प्लिट रिंग के इनर सरफेस में एक्सेल है, इसके आउटर सरफेस में कार्बन ब्रशेस है जो किसी सेल या बैटरी को कनेक्ट है, और इसको हमने दो मैग्नेट के बीच में रख दिया। ये पहले कंस्ट्रक्शन बताएंगे और फिर उसके बाद उसका ऑपरेशन वर्किंग बताएंगे। सो वर्किंग में जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए कि उसका प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, मतलब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए तो वो उस पर फोर्स एक्ट होगा, तो फोर्स एक्ट होगा तो ये दोनों चीजें बताना है। पहले रोटेशन में क्या होगा, ए बी पे डाउनवर्ड, सी डी पे अपवर्ड, तो एक रोटेशन क्या हो जाएगा उसका, हो जाएगा। एक रोटेशन होने के बाद दूसरे रोटेशन में सी डी इधर आ गया, ए बी इस साइड में, तो फिर सी डी में डाउनवर्ड और ए बी में अपवर्ड, एंड हिंस दिस लूप एंड एक्सल कंटिन्यूअसली रोटेट एंटी क्लॉक वाइज, कंटिन्यूअसली रोटेट एंटी क्लॉक वाइज। क्लियर बेटा? ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।